उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में कई दिनों से भर्ती थे। उनकी उम्र 82 साल थी। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। राजनीति के अखाड़े में अच्छे अच्छों को चित करने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन के दिनों में पहलवानी के अखाड़े में भी खूब दाव पेंच लगाए हैं। हालांकि राजनीति में उनके करियर की शुरुआत साल 1967 में हुई थी, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें यशवंत नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया। तब मुलायम सिंह सिर्फ 28 साल के थे। वो यूपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव 1967 से लेकर 1996 तक यशवंत नगर से विधायक रहे। साल 1967 में जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव को सहकारी मंत्री बनाया गया। मुलायम सिंह यादव राजनीति की जमीन पर खूब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। साल 1979 में वे पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने साल 1993 में दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 1996 में उन्होंने पहली बार मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद के सालों में संभल और कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि बाद में 2003 और 2007 से फिर से यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह यादव के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की थी। साल 1957 में उनका विवाह मालती देवी से हुआ। साल 2003 में मालती देवी के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की। मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम और अखिलेश के बीच तनाव बढ़ गया था। चुनाव से कुछ दिन पहले अखिलेश ने मुलायम सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। वही मुलायम ने भी अखिलेश के लिए प्रचार करने से मना कर दिया था। हालांकि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ दिखी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा। मेरा नाम इमरान मलिक। जय हिंद।